मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। एमपी में कोरोना के 46 नए मरीज मिले। ग्वालियर में सबसे ज्यादा 11 केस मिले हैं। इंदौर में 9 मामले सामने आए। भोपाल में 8 मरीजों की पुष्टि। 14 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि स्थिति ना बिगड़े। इंदौर में 9 मामले, भोपाल में 8। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 46 नए केस सामने आ चुके हैं। ग्वालियर की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले ग्वालियर में, 11 नए मरीज। 14 मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय ग्वालियर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि ग्वालियर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मनिका, मैं बता दूं कि ग्वालियर जो है चंबल संभाग का प्रमुख जिला माना जाता है, संभागीय मुख्यालय भी है ये। तो यहाँ पर जो तमाम सारे जो है राजस्थान की सीमा लगी है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है और तमाम सारे जिलों की यहाँ से सीमा लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाजाही इसका एक प्रमुख कारण है कोविड फैलने का। वहीं लगातार लापरवाही जो है ग्वालियर में, लापरवाही सड़कों पर, बाजारों में, और शादी का सीजन चल रहा है तो इसके चलते लापरवाही लगातार देखी जा रही है। भीड़ वाले इलाकों में जो है लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। वहीं यदि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी भी अभी कोविड को लेके बिल्कुल लापरवाह दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी ने, कलेक्टर ने, हालांकि प्रशासन ने बिल्कुल भी इस और कोई गाइडलाइन अभी नहीं बनाई है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। वही गाइडलाइन को लेके लगातार जो है फौरी तौर पर सामाजिक संगठन है वो लगातार अपील करते रहते हैं, लेकिन उनकी अपील की तरफ जनता भी ध्यान नहीं देती। हालांकि दूसरी लहर में हमने तमाम सारे अपने लोगों को खोया था, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन होता है। बिना मास्क के लोग नजर आते हैं तो इसके चलते कहीं ना कहीं लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं मैं बता दूं पिछले 48 घंटे में 15 से ज्यादा लोग यहाँ पर संक्रमित हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वहीं यदि सीएमएचओ की बात कर लें, यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर लें, तो यहाँ ग्वालियर में केवल एकमात्र हॉस्पिटल पूरे संभाग भर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, शासकीय हॉस्पिटल है जयरोग चिकित्सालय, वहां पर केवल कुछ पलंग यहाँ पर कोविड के लिए जो सुरक्षित किए गए हैं। 80 से 100 पलंग वहां पर रखे गए हैं कोविड की मरीजों के लिए, लेकिन हालांकि वहां पर 2 मरीज अभी भर्ती हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ग्वालियर संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी अन्य डिस्पेंसरी की बात कर ले, चाहे जिला अस्पताल की बात कर ले, चाहे सिविल डिस्पेंसरी हजीरा की बात कर ले, वहां पर कोई भी पलंग कोविड मरीजों के लिए आरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, कहीं ना कहीं इससे लापरवाह बना हुआ है। तो इसके चलते बहुत ज्यादा परेशानी का आगे जाके सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्वालियर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मैं बता दूं आपको, पिछले 10 दिनों में 36 केस आ चुके हैं, जबकि पिछली 2021 में मात्र 35 केस पूरे महीने भर में अप्रैल महीने में आए थे। लेकिन अब अप्रैल महीने के मात्र 10 दिनों में 36 केस कोरोना के यहाँ पर सामने आए। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह हो सकती है, लेकिन इसमें प्रशासन को देखना होगा किस तरीके से वो इसमें जो है तैयारी कर पाते हैं, किस तरीके से ले पाते हैं इसको, किस तरीके से देखते हैं इसे। जी बिल्कुल संजय, ठीक कहा आपने, क्योंकि इतने कम वक्त में इतने ज्यादा केसेस आना ये बताता है कि आने वाले वक्त में हमें सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मामले और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है ही, लेकिन प्रशासन को भी अलर्ट होना होगा। जिस तरीके से आपने बताया कि अस्पताल में जो व्यवस्था की गई है ये नाकाफी है, क्योंकि अगर अभी इतने केसे, आने वाले वक्त में यदि केसेस बढ़ते हैं तो फिर अफरा तफरी मचेगी और अस्पतालों में भगदड़ होगी, साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ने से परेशानी भी मरीजों को उठानी पड़ेगी। ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। इसके अलावा मरीज कितने अवेयर हैं, लोग कितने अवेयर हैं, क्या मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या फिर ये मान चुके हैं कि कोरोना अब जा चुका है। जब तक लोगों की जो स्थिति है, मन स्थिति है, वो इस तरह की है कि जब तक सरकार उन पर डंडा नहीं चलाती, सरकार कोई गाइडलाइन जारी नहीं करती, जब तक लोग नहीं मानते और ना ही उसमें जागरूकता का साफ तौर पर अभाव देखने को मिलता है। चाहे अस्पताल की बात कर ले, अस्पतालों में जो भीड़ है वो लगातार बिना मास्क के नजर आती है, बाजारों में जो भीड़ है वो लगातार बिना मास्क के नजर आती है। तो जो कोविड के प्रति जो इससे पहले दूसरी लहर में हमने तमाम सारे अपनों को खोया था,
तो उससे लोगों ने अभी तक सबक नहीं लिया है। हालांकि ग्वालियर मुख्यालय है पूरे संभाग का, यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है, बावजूद इसके लोगों का जो जागरूकता है वो यहाँ पर बिल्कुल फेल नजर आती है। वहीं प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर फेल नजर आता है कोविड गाइडलाइन और मास्क का पालन करवाने के लिए। अभी तक हालांकि 10 दिनों में 36 केस यहाँ पर आए हैं, बावजूद इसके प्रशासन ने कोई भी अपनी मैदानी अमला यहाँ पर नहीं उतारा है। हालांकि प्रशासन बोल जरूर रहा है कि हम जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे, जल्दी से जल्दी हम उसको प्लान बनाएंगे, लेकिन जब लोग मरेंगे या जो जब लोग बहुत ज्यादा संक्रमित हो जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद प्लान बनाने का क्या फायदा। तो इसके लिए कहना होना ये चाहिए कि पहले से प्लान बनाकर रख लिया जाए, उसके बाद में जब स्थिति बयान होती है या स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है उसके बाद जो है लोगों को कहीं ना कहीं बचाया जा सके। लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई प्लान इस संबंध में नहीं बनाया है। स्वास्थ्य विभाग का ये जो ढुलमुल रवैया है, लचर रवैया है, वो लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कि प्रशासन को और जनता को अभी से अलर्ट होने की, ताकि मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।